नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। महाराष्ट्र में बेलगाम होते कोरोना के मामलों के बाद भी बाजारों में लोगों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। अकेले मुंबई में ही हर दिन बड़ी तादाद में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। हालात बेकाबू होता देखकर भी लोग लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे। मंगलवार सुबह फिर मुंबई की दादर मार्केट में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। दादर के सब्जी और फ्रूट्स मार्केट में खरीदारी के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान लोगों ने ना तो मास्क पहन रखा था और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था। सोमवार को अकेले मुंबई में ही कोरोना संक्रमण के 1712 मामले सामने आए थे। बढ़ते मामलों के बाद भी लोग कोरोना को लेकर लापरवाही बरत रहे हैं और बेखौफ होकर बाजारों में घूम रहे हैं। मुंबई में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों पर राज्य सरकार बहुत ही संजीदा है। हर दिन करीब 2000 संक्रमण के मामले सामने आने के बाद प्रशासन लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। कोरोना को लेकर लोगों के रवैये में कोई खास बदलाव आता नजर नहीं आ रहा। मुंबई में खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हालात ये हो गए कि महाराष्ट्र में एक दिन में 15,000 के करीब नए मामले सामने आ रहे हैं। सोमवार को भी राज्य में संक्रमण के नए मामले 15,000 से ऊपर दर्ज किए गए। बेकाबू होती कोरोना की रफ्तार को देखते हुए राज्य सरकार ने थिएटर, रेस्टोरेंट्स, हेल्थ रिलेटेड चीजों को छोड़कर हर जगह आधी क्षमता के साथ लोगों के काम करने को लेकर आदेश जारी किया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।